गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 6। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, हम कर चुके हैं, बट टुडे वी विल डू पेज नंबर 64 एंड 65 फ्रॉम योर चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 पेज नंबर Now see, chapter 6, page number 64 and 65. Nikaal lijiye sab bacho. 64, page number. So here, this one, what page number here? This is 64. So keep out page number 64 of your books. Now here you can see in previous page we learned. This is the Kiran, and a 1 kg newspaper here we did in previous class. 1 kg newspaper cost is 5. That one we already done it. Now today we will start from the page number 64. Okay. 64 से स्टार्ट करेंगे। हियर यू कैन सी स्टूडेंट, हियर इट रेड लिस्ट, यू कैन सी अ रेड लिस्ट दैट वन, जिधर मेरा कर्सर दिख रहा है। काइंड ऑफ जंक, जंक मींस जो कबाड़ी सामान है, किस तरह का है, देखिए वेस्ट पेपर, नंबर वन वेस्ट पेपर जो कैसे सेल होता है, उसकी प्राइस क्या है, ₹4 पर केजी, मतलब 1 kg। देखिए इधर काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे वेस्ट पेपर मतलब जो रद्दी पेपर होता है, उसका रेट कितना है, ₹4, मतलब 4 रुपी का 1 kg आता है रद्दी पेपर। वेस्ट पेपर बेकार वाला, न्यूज पेपर जो पढ़ने वाला अखबार होता है, उसका रेट है ₹5 पर केजी, मतलब 1 kg अगर हम लेते हैं तो 5 रुपये में मिलेगा। आयरन जो टूटा फूटा लोहे का सामान होता है, दैट वन, उसका रेट है ₹12 पर केजी, मतलब 1 kg का 12 रुपीज। ब्रास, ब्रास का सामान होता है जो पीतल का सामान होता है, एंड प्लास्टिक बोटल्स वगैरह, मग बाल्टी बकेट्स, दैट आर प्लास्टिक्स, इस तरह है ₹10 पर केजी। नाउ हियर हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। 42 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण कितना पे करेगी। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर का रेट क्या है, 1 kg आ रहा है 5 रुपये का, अयांश क्लियर है, श्रेया सिंह एंड अवनी कंचनी, ये वाला रीड कर रही है मैम यहाँ पर। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, तो 1 kg न्यूज़पेपर वो कितने का सेल करती है, खरीदती है, देखिए रेट दिया है ₹5, 1 kg वो 5 रुपये का खरीदती है, तो 42 kg ही विल डू मोर और लेस, ज्यादा देगी वो उसके लिए। सो हाउ कैन वी डू दैट, जस्ट सी हियर, जस्ट नोट इट, नोट करते चलेंगे, जस्ट आई विल डू इट हियर, यहाँ पे मैम कर रही है इसको। सो 1 kg न्यूज़पेपर ₹5, वन केजी कितने का आ रहा है ₹5। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 42 kg, ₹42 = 5, व्हाट इज द आंसर,
आंसर क्या है? रुपीज 210. आंसर इज रुपीज 210. 5 2 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 है ना, 1 कैरेट, और 5 4 20 और 121. तो कितना आया देखिए, 1 kg न्यूज़पेपर कितने का था यहाँ पर देख सकते हैं आप, 5 रुपए का था है ना, 5 रुपए का रहा था, तो 63 kg कितने, 42 kg कितने का आएगा, तो रुपीज 210. इसको नोट करते चलेगा, नोट कर रहे ना आपको, ओके ना. नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ये लगा हुआ है ना, इसमें ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब आपने न्यूज़पेपर का कॉस्ट पता कर लिया, अब आपको क्या क्या पता करना है, 20 kg ऑफ प्लास्टिक, 20 kg प्लास्टिक कितने का आएगा, तो देखिए प्लास्टिक का रेट क्या है, 1 kg कितने का आ रहा है यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर, 1 kg कितने का आ रहा है, 10 rupees का, तो 22 कितने का आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा वांस आगे. अंश तिवारी समझ आ रहा है, रमा चतुर्वेदी क्लियर हो रहा है, 1 kg प्लास्टिक कितने का रहा है, 10 रुपए का है ना, तो 22 कितने का आएगा, ज्यादा का आएगा ना, इट विल कम इन मोर मनी, सो मोर मनी. अभिनंदन समझ आ रहा है, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो दिस नंबर ए, ए वाला, अब मैं कर रही आप लोग नोट करते चलेंगे, जस्ट आई एम डूइंग हियर, 22 kg ऑफ प्लास्टिक, सो 1 kg ऑफ प्लास्टिक कितने का आ रहा है, 10, सो कॉस्ट ऑफ 20 kg प्लास्टिक ना जाएगा रुपीज 220, कितना आ जाएगा, दिस न्यू है ना, कॉस्ट ऑफ 21 kg, देखिए 1 kg आ रहा है आपका रुपीज 10 का, तो 22 kg कितने का आएगा, ज्यादा का आएगा, सो यू डू द मल्टीप्लीकेशन अगेन. एक का पता है हमको, ज्यादा का करना है, जब एक नंबर का पता हो 1 kg का, हमको ज्यादा केजी का पता करना होता है, दैट टाइम वी डू द मल्टीप्लिकेशन. और जब हमको सपोज 20 kg का पता हो और 1 का पता करना है, तो 1 का कम आएगा, दैट टाइम वी डू द डिवीजन, उस समय हम डिवीजन करते हैं, बट हियर वी नीड द मल्टीप्लिकेशन, इधर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. सो नाउ नंबर बी, ये वाला है जो 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर. अब वेस्ट पेपर का क्या है रेट, देखिए रुपीज 4, 1 kg का प्राइस कितना है, 4, तो 23 का कितना होगा, ज्यादा होगा, तो वंस अगेन वी डू हियर, आप भी अपने से कर सकते हो, विच नंबर आई एम डूइंग, बी वाला कर रही है मैम, कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर रुपीज 4, 1 kg वेस्ट पेपर क्या है कॉस्ट, रुपीज 4, नोट करते चलो अंश तिवारी, नोट इट. सो कॉस्ट ऑफ 23 kg अब क्या हो जाएगा, वांस आगे 23 × 4 इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर इज रुपीज 92.
कितना आ जाएगा 92। द कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर रुपीज 4 का, 1 kg और 2 का 23 का ज्यादा होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी कैन नो द ओके। नाउ दिस वन सी, 12 केजी ऑफ आयरन, आयरन सी वाला, आई एम डूइंग नंबर सी, 12 केजी आयरन, तो इसका कैन यू डू इट योरसेल्फ, रमा चतुर्वेदी अपने से कर सकते हो, नवनी ये लास्ट वाला आप अपने से कर सकते हो, सी वाला कैन यू डू इट योरसेल्फ, कर सकते हो, इफ यू कैन डू इट यू कैन गिव द थम्स अप, कर सकते हो ना, विल यू डू दैट, आंश तिवारी विल यू डू दैट, है ना, नो नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दैट, आंश हु कैन डू दैट, हु कैन डू, श्रेया सिंह कैन यू डू, चलिए लास्ट वन आई ऑल्सो कैन डू। 1 kg का क्या है, 12 kg का पता करना है, देखिए आयरन दिया है, ये आयरन का 1 kg का रेट है 12, अब 12 kg का ही पता करना है, तो इट मींस 12 × 12, सो दिस वन आल्सो आई कैन डू आउटसाइड। नंबर सी, आई एम डूइंग नंबर सी, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन, रुपीज 12 kg का कितना होगा, ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट द आंसर। अंजलि, अंजलि क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है कुछ आपको, ओके। माही, माही, माही मिश्रा, क्लियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए इसमें बॉक्स में जो दिया गया इसका आंसर आपको खुद से पता करना है, गेस यहाँ पर, गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, will it be more than 600, less than 600? So how will you know that? कैसे जानोगे? जो आपने इन सब का रेट निकाला है ना, 22 kg newspaper, sorry, 42 kg newspaper, इसका रेट, flash waste paper का, इन सब का जो रेट आपने आंसर मिला था, तो सबका आंसर मिला था ना, तो उन सारे आंसर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो इस 600 से वो ज्यादा होता है या कम होता है, That is, you have to know it and you have to find it. आपको find out करना है the rate of all the things. It will be more from 600 or less from 600. 600 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो how will you find that? कैसे पता करोगे? Then you will, अब इसका rate कितना मिला था हमको total, इसका add कर लेंगे यहाँ पर, देखिए इसका जितना मिला था वो number क्या था, 22 kg plastic का कितना price था, 23 waste paper का कितना था, 12 केजी आयरन का, सबको ऐड कर लेना, सबके आंसर ऐड करके फिर देखना वो 600 से ज्यादा है या कम है। When I added, I got it here 666. जब मैम ने ऐड किया था तो मुझे नंबर मिला था 666. So you can do it yourself. तो 660 more than 600. वो 600 से ज्यादा है। Now here, Smart Kiran sells the jam. Just I am reading here. Here. अब यहाँ पे क्या है, किरण सेल्स हर जंग टू ए बिग शॉप, अब वो एक बड़ी शॉप में बेचती है अपना जंग, शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन
एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स ए गुड प्राइस। अब वो क्या करती है बच्चों, जैसे आप लोग अभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल से कंडक्ट कर रहे हो, तो किरण इज वेरी स्मार्ट, वो भी स्मार्ट हो गई है, शी यूज द मोबाइल। अब उसके मोबाइल में वो अपना रेट लिस्ट चेक करती है डेली का, कि जब रेट लिस्ट गुड होती है मतलब ज्यादा रेट होता है तब वो अपना जंक बेचती है, कबाड़ वो अपना बेच देती है जब ज्यादा कीमत मिलती है, जब कम होती है तब वो नहीं करती है, तो ज्यादा में वो सेल करती है। टुडे सी हैज गोन टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। एक दीनू है, उसकी बड़ी शॉप पर है, वो अपना जंक बेचने गई, क्या क्या, प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास। सो दीनू वे 32 kg आयरन, दीनू ने कितना लिया, 32 kg आयरन परचेज किया किरण से, 4 kg ब्रास लिया, 152 kg न्यूज़पेपर खरीदा, 63 kg प्लास्टिक खरीदा, किससे खरीदा, दैट इज किरण, किरण गई थी ना दीनू, दीनू की शॉप है ये, दीनू की शॉप है, देखिए बड़ा सा आपको दिख रहा है, और ये हैंड कार्ट है, इस थैले में रखकर वो ले गई थी वहां पर सेल कर। नाउ नेक्स्ट पेज निकाला, पेज नंबर विच वन 65। ओके, अब यहाँ पे दीनू की रेट लिस्ट ये है, ये किसकी रेट लिस्ट थी, ये किरण की रेट लिस्ट थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर किसकी है, ये दीनू की रेट लिस्ट है, उसका रेट ये है, देखिए दिया गया है ब्लू कलर में, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक, 63 kg प्लास्टिक के लिए कितना पे करेगा। देखिए प्लास्टिक क्या खरीदता है, ये रहा प्लास्टिक का रेट, देखिए यहाँ पे नंबर 4 पे 1 kg प्लास्टिक कितने की आ रही है, 12 की, तो 63 कितने की आएगी, तो ही विल मल्टीप्लाई 12 into 63, देखिए यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई किया 12 into 63, यू कैन सी है ना, 1 kg 12 की आ रही है, तो 63 ज्यादा की आएगी, सो वंस अगेन ही डू द मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर यू यूज बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर इन प्लास्टर, प्लास्टर में आपने बुक नहीं पढ़ा है, बट आई विल एक्सप्लेन हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड, तब तक हम रीड कर लेते हैं इसको, 12 into 63, ये सर्कल हमें हम रीड कर लेते हैं, 12 into 63 means 12 times 63, 12 into 63 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, या तो हम 63 को 12 टाइम ऐड करें 63 63 63, या हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 12 से, तो इससे हमारा वर्क इजी हो जाता है। सो मल्टीप्लीकेशन इज, देखिए यहाँ पे लिखा है 12 multiplied by 63 means 12 times 63, 12 times 63, 63 को 12 टाइम लिखे, तो who will be easy, कौन सा इजी होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम 12 times 63 63 will write like that, so it will more difficult to us. Now 12 times 60 720, so the 12 times 60, तो उसने 12 times 60 का पता करिए, इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया टेंस और वंस में, तो 60 नंबर, तो 60 into 12, अभी मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड 60 into 3, यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया, 60 में 10 से 6, 6 टेंस है ना, 60 नंबर में 6 10, 6 टेंस में कितना नंबर होता है, 60 होता है, तो 12 into 60 मल्टीप्लाई किया, देयर इज 720, और वंस वंस को कर लिया 12 into 3, सो आंसर इज लेस देन 800, कैन यू टेल बॉय आंसर इज कितना 800, देखिए इसने दीनू ने एड द नंबर्स इन द बॉक्स, जो नंबर दिए गए ना यहाँ पर 613 दे 126, इनको नंबर ऐड किया तो उसका टोटल आया 756, उसने मतलब इतना चीजें जो इतने इतना परचेज किया है वो कितने में किया है, ये वाला दैट वन दिस वन, ये सब परचेज कितने में किया उसने, 756, ठीक है। अब यहाँ पर सो फॉर 63 kg प्लास्टर दीनू विल गिव द 756 rupees, ठीक है। अब ये कर देते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ये वाला जो स्टार है ना, किरण बोर्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10 में उसने 1 kg प्लास्टिक लिया, ठीक है, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12, 1 kg कितने का लिया, ₹10 का, बेचा कितने 1 kg इसने 12 में, तो हाउ मच मनी डस शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, तो 1 kg प्लास्टिक पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ बताइए,
उसने लिया 10 रुपीज का था, बेचा उसने 12 रुपीज का, so he will, she will earn rupees 2 rupees का 1 kg पर. So here you can write your answer. Rupees 2. है ना, इतना उसको क्या हुआ, इसमें ₹2 उसको प्रॉफिट हुआ. 1 kg 10 रुपए का लिया और 1 kg इसने बेचा 12 में, तो उसको 2 रुपए ज्यादा मिल गया. नाउ लास्ट वन, सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg. अब 63 kg के लिए कितना अर्न करेगी, तो 1 kg पर कितना अर्न कर रही है. सो वी विल राइट अवर आंसर डाउन साइड. देखिए अभी हमने आपने 1 kg पर 2 रुपये अर्न कर रही है ना, 1 kg को उसको 2 रुपये ज्यादा मिल रहा है, तो 63 पर कितना मिलेगा, तो 1 kg प्लास्टिक सी आर्स ₹12. ₹1 kg पर कितना करती है, ₹2. ना ना करेगी, बताइए. ₹126. ठीक है, आपको क्लियर हुआ मैम क्या बताया है, नीचे दिया गया है ना. सो हाउ मच किरण, हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg, ये वाला दिया गया है ना नीचे पे नंबर, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है ना सबसे नीचे. यस मैम, ये है ना, समझ आ गया क्लियर. देखिए तो 1 kg, लिसन, ध्यान से सुनिए, पहले म्यूट करिए अपने आप को. 1 kg वो 10 रुपए में खरीद रही है, ठीक है, सी परचेज 1 kg प्लास्टिक 10 रुपए, और बेच कितने में रही है, 1 kg 12 रुपए में, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा उसको ज्यादा मिल रहा है, तो 12 से 10 को माइनस कर देंगे तो 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना उसको 1 kg पे. 1 kg पर 2 रुपए ज्यादा ले रही है, तो 63 पर कितना लेगी, तो 1 kg में 2 रुपए, तो 63 में, तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो हियर, अब देखिए मैम आपको ये वाला एक्सप्लेन कर रही है, देखिए ये वाला एक्सप्लेन कर दे रही है आपको कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दैट मीन बोर्ड पे देख रहे हो आप, यू विल सी ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पे देख लीजिए, मैं म्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए. आप This one, I am explaining this one. 63 into 12. अब इनको क्या किया? 63 को इन्होंने 10 साल से सेपरेट कर दिया. 6 tens, that is 10s. ये 10 से 6, that is 1s. तो 1s को इन्होंने अलग कर दिया. 6 tens equal to 60. 6 tens equal to 60. तो ये फिर सेपरेट, ये फिर सेपरेट. 60. तो ये अलग-अलग बॉक्स में लिख दिया. आप इस नंबर को किसी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया. ये क्या है, 12 क्या है, 1s, 2 1s है,
10 means 10 plus 2. अगर इसको सेपरेट करें एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखे 10 ट्रैक को डिग्री टाइम ट्रैक को हाफ से एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखे तो क्या होगा चला कि कितना इट इज 10 प्लस ये होगा ना एक्सपेंडिंग फॉर्म दैट इज एक्सपेंडिंग फॉर्म सो क्या अब 10 प्लस 2 यू नो दैट इसको भी
मैम आपकी आवाज एक मैम आई है यस मैम मैम आपने म्यूट क्या हुआ था मैम आपने